हाय दोस्तों, एम टेक हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी ऐप के बारे में जिसकी मदद से आप अपने घर का 3D मॉडल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप अपने घर का 3D मॉडल बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक आर्किटेक्ट है या फिर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। या फिर आप एक स्टूडेंट है और आप इंटीरियर डिजाइन का कोर्स सीख रहे हैं, या फिर आप एक नॉर्मल यूजर है, तब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। आप इस ऐप की मदद से बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, मैं फिर से बता दूं आपको कि आप एक आर्किटेक्ट है तो आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको एग्जैक्ट उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, जैसे ही ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स पहले ही दिए हुए जिसकी मदद से आप कुछ नया यहाँ पर सीख सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिंपली 3 लाइन दिखाई दे रही, उस पर आप क्लिक कर दिए तो यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा जिनमें आपको और भी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से आपको आइडिया आए कि आप किस तरह से बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सिखाने वाला हूँ, तो चलिए हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे प्रोजेक्ट ओपन होता है तो यहाँ पर आपको जूम आउट करके इस प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करते तो आपके सामने कुछ डिजाइन तैयार मिलेगी आपको। आपको जो भी डिजाइन यहाँ पर बनानी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर फटाफट कुछ डिजाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने डिजाइन रेडी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप रूम की साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको दीवारों की साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल दिया हुआ है, आप मैन्युअली जितना चाहे उतना सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, रूम का फ्लोर का कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर दिए हुए, आपको जो चाहे वो कलर सिलेक्ट कीजिए और बहुत ही अच्छा लुक दीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट खिड़की और दरवाजे और कुछ फर्नीचर ऐड कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर डोर के लिए भी 3 कैटेगरी दी हुई है, मतलब हर फर्नीचर के लिए आपको कैटेगरी वाइज दी हुई है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए, पूरा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। दोस्तों, आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है आपको वो ऐड करनी है, तो ऐड करना भी बहुत ही ईजी है। जो भी चीज़ का आपको यहाँ पर इमेज दिखाई देता है सिंपली आपको उस पर टैप करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वो इजीली ऐड हो जाएगा। और फिर चाहे आप उसको रोटेट करके भी एडजस्ट कर सकते हैं जो भी जगह पर आपको सेट करना है वो। दोस्तों, मैं यहाँ पर साइलेंट हो जाऊँगा, अब कुछ नहीं बोलूँगा कुछ देर के लिए। और फटाफट मैं यहाँ पर आप कुछ चीज़ें सेट करके दिखा देता हूँ। वीडियो में कट भी कर सकता था मगर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे सिलेक्ट किया, तो इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी तरह से सेट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर 3D वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे हम 3D पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक 3D मॉडल रेडी हो जाएगा जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब चाहे जैसे ही आप उसको ऊपर नीचे करें आपको पूरी तरह से ये दिखाई देगा। आपको जूम आउट, जूम इन, आपको एक उंगली से टैब होल्ड करके दूसरी उंगली से आपको उसको घुमाना है, तब आपको पूरा व्यू एंगल दिखाई देगा 3D में। आपको दोस्तों यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल करना है तो यहाँ पर आपको ग्रीन सर्कल दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। उनमें जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपको मैनुअल कंट्रोल मिल जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पर आप दीवारों को भी कलर चेंज कर सकते हैं और डिजाइन अलग टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इस ऐप में आपको बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिए। दोस्तों ये एप्लीकेशन का मैंने एक क्विक रिव्यू बनाया था, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाता। अगर मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई है तो आप अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर दोस्तों इस एप्लीकेशन के रिलेटेड कुछ भी सवाल हो या कुछ सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस ऐप को कैसे डाउनलोड करें, तो इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।